जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टेनो स्टार में। साथियों, आज हम करने वाले हैं अभ्यास तीन और भाग ख। कल हमने इसका क करा दिया था दोस्तों, और जिसने वह भाग नहीं देखा है वह देख सकता है। मैंने वह भाग एक से तीन तक कराया है और चार से छः तक जो है मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। उससे पहले मैंने उस भाग में एक आपको अभ्यास दी थी, उसका मैं सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट उसका मार लीजिएगा दोस्तों। ये रहा कल का सॉल्यूशन, आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए और अब आप अपने जो आंसर शीट आपने बनाई थी तो उससे आप चेक कर लीजिए। चलिए आज का सेशन हम करते हैं शुरू। और चलिए ये तो आज आप देखेंगे फोर्थ नंबर पे पहला अक्षर लिखा हुआ है दमक। दमक को लिखना हम सीखेंगे। तो दमक कैसे बनता है, तो देखिए वर्णमाला मैंने पढ़ा दी है, तो लाइन पे द इस तरह से हमें चलना होगा, द के बाद मैं ऐसे चलना होगा और क, ये हो जाएगा हमारा दमक। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इस तरह से दे आना और मैं इस तरह से और क्या इस तरह से गलत होता है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आराम से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए उसके बाद आता है धमक। धमक को देखेंगे, ध बनाएंगे, मैं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पहले हम पूरा जो है बनाएंगे और जब पहला अक्षर समाप्त होगा दूसरा शुरू होगा, फिर दूसरा समाप्त होगा तीसरा शुरू होगा, फिर तीसरा समाप्त होगा चौथा शुरू होगा, इसी क्रम से हम चलते रहते हैं। अब ये लिखा हुआ है दमक, और दमक को दे को अगर हम काट देते हैं तो बन जाता है धै, तो अभी हो गया धमक। आ गई ना बात आपको समझ में। चलिए अब हम देखते हैं नमक। नमक हमने कल भी आपको पढ़ाया था, नमक को कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए इसी वाली लाइन पर हमें लिखना है, तो न हम यहाँ बनाते हैं, इसमें को मैं जोड़ देते हैं और कै जोड़ देते हैं, ये हो गया आपका नमक दोस्तों। चलिए अब हम पढ़ते हैं पकड़। पै पै से बनाते पै कै ल पकड़, ये रै को अगर हम काट देते हैं तो ल बन जाता है दोस्तों, पकड़ हो गया। अब हम बनाते हैं फरस। अब हम बनाएंगे फरस, तो पै रै स, ये हो गया परस। लेकिन अब हम इसको अगर पै को काट देते हैं तो बन जाता है हमारा फै, तो ये हो गया दोस्तों फरस। आ रही है ना बात समझ में आपको। चलिए अब हमको देखना है बट। बट कैसे लिखा जाता है, तो देखिए दोस्तों बे और टे, बताओ सही है क्या बट? नहीं, ये गलत है बट, कतई जो है गलत है, क्योंकि बट का जो वे है ना, आप ध्यान से देखना है, आपको वे में अंतर करना है। ये वे हम इस तरह से बनाते हैं, और पेट चिरा वाला जो हमारा वे होता है ना, वो इस तरह से हम बनाते हैं दोस्तों। आ गई ना आपको बात समझ में। चलिए तो अब हम देखते हैं वट कैसे लिखा जाता है, इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। तो चलिए अब हमको लिखना है बट, तो वह इस तरह से हम बनाएंगे और इस तरह से हम टैग कर देंगे। ध्यान रखना दोस्तों, लाइन टू लाइन ही आपको चलना है अभी, क्योंकि अभी आप शुरुआत में हैं। जब आप सीख जाएंगे ना इसको, तो आप बहुत ही शॉर्ट में लिखने वाले हैं, समझ रहे हो ना। जैसे कि अभी हम लिखते हैं पर, मान लीजिए पर ऐसे लिखते हैं ना, फिर जब आप शॉर्ट में लिखना सीख जाओगे ना, तो ये हो गया आपका पर, तो बहुत ही ज़्यादा इजी। और इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वर, अभ्यास चार और पाँच के बाद हम स्वर पढ़ने का प्रयास करेंगे। और अभी मैं आपको एक बात और बताने वाला हूँ, पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अब बट हो गया ना, अब देखते हैं मन को, देखते हैं मन, तो मन मैं ऐसे बनाएंगे और ने हम यहीं ने ऐसे ले लेंगे। मन आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना कि मैं और न, ये गलत होता है, ये तरीका बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि हमने न को यहाँ पर बनाना सीखा था, मैं को यहाँ पर बनाना सीखा था, ना कि हमने न को नीचे लाइन पर बनाना सीखा था और ना ही इस तरह से। तो ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा। आ गई ना आपको बात समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, पाँच नंबर देखते हैं बर्तन। तो बर्तन को भी न वाला आंकड़ा ध्यान दीजिएगा आप, ध्यान से बर्तन पेट चिरा वाला बह है, तो बह रे ते ऐसे बनाते हैं और न को हम यहीं लेंगे। इस तरह से हमें नहीं करना कि बह रे ते और न, ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल लाइन पे बनाते हैं ना न, तो इसका बहुत ध्यान रखना है आपको। चलिए हो गया ना बर्तन। अब हम देखते हैं भरम, तो बनाते हैं पहले भय, फिर बनाते हैं रे और फिर बनाएंगे मैं, क्योंकि मैं लाइन के ऊपर बनता है दोस्तों, ध्यान है ना। मैं को आप अब इस तरह से नहीं बना सकते थे, यहाँ इस तरह से देखिए भय रे मैं, ऐसे गलत हो जाता, क्योंकि लाइन को लाइन के ऊपर बनाना हमने सीखा था। और देखिए भरम, अभी ये भरम जो है नहीं हुआ, अभी हमें पै को काटना है तब जाकर ये भरम बन जाएगा, बन गया ना भरम। चलिए अब नेक्स्ट देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है आपका रट, तो रे को मैंने बताया था रे और टे, थोड़ा तिरछा हो गया ये रे और टे, सीधा ही खींचेगा टे, तो ये आपको सिखा दिया था मैंने। चलिए अब देखते हैं लंप कैसे लिखा जाता है, तो ले ले का आंकड़ा लगाएंगे, ले और मैं और पै, ये हो गया आपका लंप। आ गई ना बात समझ में। अब समय का हम ध्यान देंगे, तो समय के लिए हम सह का आंकड़ा इस तरह से सह, मैं का आंकड़ा यहाँ चलेगा, मैं
और ये को हम इस तरह से यहाँ मिलाएंगे, यह कि ये होती है ना चोंच, तो आपको इस तरह से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सैम मैं ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको यहाँ से इतना गुंडे निकालने की ज़रूरत नहीं है। पीछे एक लिया और ऊपर कर दिया, इससे थोड़ा आसान रहता है। एकदम बनाना पड़ता है ना बाद में जब हम जो है मैटर लिखने लगते हैं, डिक्टेशन लिखने लगते हैं, तो इसी वजह से ये ऐसा होता है। चलिए अब देखते हैं क्या हो गया था हमारा, समय हो गया था हमारा। अब हमको देखना है धर्म, धर्म का धै र मैं, लेकिन अब इसको हमें काट देंगे तब जाके धै बनेगा, वरना तय या थै पड़ा जाता, तो धर्म धर्म हो गया। अब चलिए अब छः नंबर देखेंगे सरपट। तो सरपट को समझने का प्रयास कीजिए, हम पहले लाएंगे स, ऊपर ले जाएंगे र, नीचे लाएंगे प और नीचे लाएंगे ट। देखिए दोस्तों, हमें पता है कुछ कुछ अक्षर जो हैं हम दो दो बार बना सकते हैं, लेकिन आप एक ही बार बनाने का प्रयास कीजिए। अभी आप रिल जाएंगे दो दो बार बनाएंगे तो, और बाद में भी थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन जब हमें पता है यदि हम स यहाँ बनाएंगे र यहाँ बनाएंगे तो हमारी इसी लाइन में कहीं ना कहीं एक लाइन तो बचने का प्रयास हो रही है ना। यदि हम स यहाँ बनाएंगे और र यहाँ बनाएंगे और फिर प यहाँ बनाएंगे और ट इसके और नीचे बनाएंगे, तो कितना बताओ, चार लाइन आपकी वेस्ट हो जाएंगी खामोखा। तो इसी हिसाब से हमको बड़े ध्यान से चलना होता है। आ रही है ना आपको बात समझ में मेरी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, हम नेक्स्ट हो जाएगा हमारा सरपट हो गया ना। अब हमको देखते हैं हम देखते हैं, तो हम का देखिए है और मैं, ये हो गया आपका हम। वह देखते हैं, अब वह में थोड़ा लॉजिक है, समझने का प्रयास कीजिएगा, इसको मैं हटा देता हूँ। वह में देखेंगे ब है और यहाँ ला के आपको ऐसे नहीं मोड़ना, आपको क्या करना है, अभी आपको सीख रहे हैं ना आप, अभी तो शुरुआत है ना आपकी, तो आपको बड़े जो है लाइन पे ही चलना है। तो वह को आप इस तरह से ले जाएंगे, यहाँ गुंडी मोड़ देंगे और यहाँ से है बना देंगे, तो ये हो जाएगा बह। लाइन का, पेपर का, कॉपी का, पेंसिल का आपको बिल्कुल भी जो है लालच नहीं करना है साथियों, अगर लालच कर दिया ना तो शॉर्ट हैंड में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम, अब सरपट हो गया, हम हो गया, वह हो गया, अब हमको क्या देखना है, ड़े, और ये तो बहुत सिंपल है ना, है को अगर यदि हम काट देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, है को काट देते हैं तो ड़े, और ये वाला ड़े इसको रे को काट देते हैं तो बन जाता है। अब समझेंगे इसको, इसको मैंने कई बार आपको बताया है कि डार्क करके नया बना दीजिए, बस इसे गाढ़ा कर दीजिए, लेकिन आपको नहीं करना है, डबल पेंसिल नहीं फैलानी है, आपको सिर्फ एक बार ही चलाना है, चाहे वो धीरे चले चाहे वो तेज़ चले, बस आपको समझना है। देखिए अब मैं आपको थोड़ा बताने का समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं कोई, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, हम कोई शब्द पढ़ते हैं शुरू शुरू में हमसे नहीं पढ़ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसका सेंस धीरे 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 ले जाकर उसको पढ़ लेते हैं शब्द को, बस वही शॉर्ट हैंड का सेम जो है रिलेशन इंग्लिश से है। पहले तो हम जो है उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, फिर उसको समझने का कि नहीं ये शब्द तो होता ही नहीं है, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है, ये तो सार्थक है ही नहीं, तो हम कहीं ना कहीं उसको सार्थक बनाने का प्रयास करते हैं, उसको ऐसा करने का प्रयास करते हैं कि हाँ ये एक शब्द बन जाए। और जब वो शब्द बन जाता है ना तो हमारी समझ में खुद आ जाता है कि पै है, न है, ड़ है, कै है, स है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, जितना अभी सिखा रहे हैं उतना आप अभी सीखें दोस्तों। ये आपका हो गया। चलिए अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। अब क्या करना है आपको, कल मैंने एक एक्सरसाइज दी थी ना, तो अब आपको एक और दे दी है मैंने, तो आपकी तीन एक्सरसाइज के साथ एक फालतू मैंने करा दी, समझ रहे हो ना आप कितना जो है एक्स्ट्रा चल रहे हो। और एक्सरसाइज चार जो मैं लाने वाला हूँ ना, वो कम्प्लीटली चार लाऊंगा और आपको समझाऊंगा नहीं, सिर्फ बनाना सिखाऊंगा, और उसके साथ साथ एक मैं आपको एक्सरसाइज और दूंगा जो आपको घर पर करनी है। अब एक चीज़ और समझने का प्रयास कीजिए यहाँ पर साथियों। अब जो है किसी भाई की जो है काफ़ी टाइम पहले आया था कि एयरफोर्स की जो है जीएस इंग्लिश लाइए, तो समय का प्रावधान जो है थोड़ा कम है मेरे पास, समय नहीं मिल पाता है, तो अब फिर भी मैंने कोशिश की है कि शॉर्ट हैंड को जो है एक दिन डिले करके थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन दो एक दिन की ही दिक्कत रहेगी, क्योंकि अभी आपने पहला वाला भी शायद नहीं पढ़ा होगा, तो आप धीरे धीरे आइए, थोड़ा अब हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आपको जो है ना मेरे चैनल पर ए टू जेड सभी कुछ मिलने वाला है, मैथ, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग सभी कुछ। अभी जो है थोड़ा अभी इतना नहीं हो पाया है कि मैं आपको सब चीज़ प्रोवाइड करा सकूं, लेकिन कोशिश पूरी करने वाला हूं। एयरफोर्स की इंग्लिश हो सकता है कल आर्टिकल्स से स्टार्ट हो जाए, आर्टिकल्स के ए और एन आ जाएं, तो आप बिल्कुल भी इसे मिस मत करना। एयरफोर्स हो सकता है कल
आ जाए, एयरफोर्स का लेवल का लिंक लिस्ट का आ जाए, उसमें आपको एक प्रॉफिट होने वाला है। साथियों मैं एयरफोर्स का लेवल जब पढ़ाऊंगा, आइडियम फ्रेजेस, एंटोनिम सिनोनिम्स एंड वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को तो एक एक करके एक एक अभ्यास में लेकर चलूंगा, जिससे कि आपको वोकैबुलरी भी याद हो जाए, शॉर्ट ट्रिक से भी हो जाए। तो आप समझ गए ना। चलिए आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।